गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम दो डिजिट का एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद तीन डिजिट का, और ऐसे ही दो डिजिट का एचसीएफ निकालेंगे, फिर तीन डिजिट का। इस पूरी वीडियो में हम चार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। 24 और 18 का एलसीएम निकालें। 24 और 18 का एलसीएम निकालना है तो हम पहले 24 लिख लेते हैं, कामा फिर 18, ठीक है। फिर अब हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब हम सबसे छोटी संख्या से देखेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये दोनों नंबर कट रहे हैं। यदि दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो एक ही नंबर कटना चाहिए, मगर कटना चाहिए किसी छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है दो। दो के टेबल में 24 भी आएगा, 18 भी आएगा, ठीक है। दो से करते हैं, 12 दुना के 24 कटा और 9 दुना के 18, ठीक है। अभी हम फिर से देखेंगे दो से कटेगा या नहीं। दो से कटेगा, 6 दुना के 12, ये 9, दो से कटेगा या नहीं। नहीं कटेगा तो 9 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर दो से देखेंगे, 2 3 6, ये कटा और ये 9 नहीं कटा, ऐसे लिख लेंगे। अभी देखेंगे 2 से 3 या 9 कटेगा, नहीं कटेगा तो अब 3 से चलेंगे। 3 से एक बार में ये कटा और ये 3 3 9। अभी फिर से चलेंगे, 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब हम इसे जो हमारा नंबर आया है 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36 और 36 2 72, ये हमारा एलसीएम हो गया। 24 और 18 में से ये 72 कामन है, किसी का भी गुणा करेंगे तो 72 आएगा। 24 18 का एलसीएम 72 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न दिया गया है, 15 58 और 24 का एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले हम 15 58 और 24 को लिख लिए, एक लाइन ऐसे खींचें और एक लाइन ऐसे। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या मतलब दो से नंबर्स कट रहे हैं या नहीं। 15 दो से कटेगा, नहीं कटेगा। 58 दो से कटेगा, हाँ कट जाएगा, और 24 भी, तो दो से चलते हैं। दो जो नहीं कटेगा उसे हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। 58 दो से कितनी बार में कटेगा, 24 बार में, और 24 12, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 से 15 नहीं कट रहा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। 24 कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में लिख लिए। अभी 2 15, और ये 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। अभी 2 से कटेगा ये 6, 2 से लेकर चलते हैं, 15 नहीं कटेगा ऐसे लिख लेंगे, और 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 लिखें और ये 3 ऐसे लिख लेंगे। अभी 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, अब 3 से चलेंगे। 3 से 15 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 3 से 3 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, ठीक है। अभी बचा 5, 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। अभी नीचे सब में 1 1 आ गया, अब इसका हम गुणा कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 2, ये चीज़ लिखेंगे, 2
गुड़े दो गुड़े दो, चार बार है ना, एक दो तीन चार, चार बार हो गया। गुड़े तीन गुड़े पाँच, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के सोलह, सोलह तिया अड़तालीस, अड़तालीस पच्चीस जी 240। पंद्रह अट्ठावन और 24 का एलसीएम क्या हो गया 240। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। हमने एलसीएम भी निकालना भाग विधि से सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर तीन हमारा दिया गया है 35 और 45 का एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर रहेगा हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। 45 ज़्यादा है, हमने उसे लिख लिया। फिर अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर जो कम नंबर रहेगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे भाग देते हैं वैसे ही करेंगे। 35 दुना के 70, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाग का ही रूल हम फॉलो करेंगे। तो हम एक बार लेकर जाएंगे, ठीक है। 35 पाँच में से पाँच माइनस करेंगे, जीरो बचा, और चार में से तीन माइनस करेंगे, कितना बचा, एक। अब फिर से हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे जो नंबर रहेगा अब उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब 10 से भाग करेंगे 35 में तो कितनी बार में जाएगा, 10 दिया 30। अब फिर से ऐसे लाइन खींचेंगे, एक पाँच में से जीरो माइनस करेंगे तो पाँच ही बचा, और तीन में से तीन माइनस करेंगे, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे जो नंबर रहेगा अब उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 10 पाँच से कितनी बार में कटेगा, पाँच दुना के 10, ये कैंसिल हो गया, सब कट गया। तो ये जो नंबर बचेगा वही हमारा HCF होगा। 35 और 45 का HCF क्या हो गया, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 60 और 126 का HCF निकालें। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 126, इसे हम पहले 126 को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे और एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। फिर जो छोटा नंबर है उसे हम इस तरफ लिखेंगे। अब हम भाग जैसे करते हैं वो नियम अपनाएंगे। 60 दुना के 120, चलिए लिख लेते हैं 120। अब एक लाइन ऐसे खींच लिए, छः में से जीरो को माइनस करेंगे तो छः बचा हमारा, और दो में से दो माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, वन में एक में से एक माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 6 से भाग देंगे 60 में, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 6 दहा में 60, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बचा, नहीं बचा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 60 और 126 का HCF हो जाएगा 6, 60, 126, HCF कितना आया, 6।